अलडावा में बिना रजिस्ट्रेशन के ही अवैध अस्पताल प्रसूताओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं और जिम्मेदार इससे बेखबर हैं। बिना रजिस्ट्रेशन करवाए ही महज रिसीविंग की स्लिप पाते ही संचालक ने अवैध अस्पताल शुरू कर दिया। नौसिखिया डॉक्टर की लापरवाही के चलते नवजात की प्रसव के दौरान मौत हो गयी। सिद्धी अस्पताल के संचालक ने खुद कबूला है कि उसका अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित है। इटावा आईटीआई चौराहे पर एक दर्जन से अधिक अस्पताल कैसे बने, क्या इनका रजिस्ट्रेशन है? चिकित्सा विभाग की ये घोर लापरवाही है। जिले भर में अपनी दुकानदारी करते अवैध अस्पतालों पर सीएमओ की कार्यवाही कब होगी? आईटीआई चौराहा पर अवैध अस्पतालों का संचालन कब बंद होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इटावा। नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये जिला हॉस्पिटल से आया था मेरे यहाँ, ठीक है, गांव के पास के रहने वाले हमारे ये, ठीक है, छकवा के रहने वाले मेरे गांव, ये मौला पड़ता था नगला, ठीक है, तो पर्चे वजह से हमारे यहाँ आया है। वो बच्चा क्या है, इनका नीचे नॉर्मल हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन पूछने और कहीं बताया होगा, मेरे यहाँ उनका ऑपरेशन नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, इनके गाँव वाले साथ वाले मेरे अंदर बैठे, बताइए उनके साथ वालों से मैं बात करा दूँ। कौन कह रहा है बताइए, आप इनको बताइए ऑपरेशन हुआ, बयान वो सामने क्या हो ना, बयान दिया ऑपरेशन में, सामने बैठा हूँ, मरीज से पूछ सकते हैं, मरीज का पूरा देख सकते हैं, ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ है। जी 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 जी, देख आज देख के गए हैं, क्लियर हो गया। रिसीव जी, रिसीविंग मिली है मुझे, रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल पड़ी है। नहीं, उसका बहुत रजिस्ट्रेशन ही है, एक आदमी मेरे पास में जाएगा तुम, नॉर्मल हुआ पर्चे का, वो आ गए उसमें ऑपरेशन, मैंने ऑपरेशन किया ही नहीं है। नहीं चला रहे हैं ऑपरेशन, पर्चे है उससे करने आया हूँ मैं, ऑपरेशन नहीं, मैं ले नहीं रहा, एक एक पेशेंट है ओनली मेरे यहाँ, एक पेशेंट आया पर्चे के लिए ले लिया ना, मैं अभी लेने भी नहीं रहा है, ठीक, जो दिक्कत हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही, कहीं अंदर जा रहे थे, गरीब आदमी है ये। संचालक हैं हम, संचालक। वो वहाँ पे गए थे, क्या नाम है इसमें, हॉस्पिटल में सरकारी में, वो एम्बुलेंस वाला लेके आया यहाँ। अच्छा। अब फीस बताई थी 30-35 हज़ार रुपये, तो अब कह रहे हैं कि कम हो जाएगी। जिला अस्पताल में गए थे, बचाया बताया बच्चा खत्म हो गया? नहीं, उन्होंने नहीं बताया था। आपको कैसे पता लग गया खत्म हो गया? यहाँ आके डॉक्टर साहब ने बताया। आप तो घर भी पता लग गया था, प्लेट कटा था घर पे, बच्चा तो यहाँ पता लगा है, जब ऑपरेशन हुआ उसका तब पता लगा है कि बच्चा खत्म हो गया। अभी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, चाचा वगैरह बैठे, हाँ वही बता रहे हैं, 30 दवा में नहीं हुई, 30-35 हज़ार रुपए बता रहे थे, तो जो है अब कम कर रहे हैं। 10 हज़ार रुपए जमा किए हैं मैंने। अच्छा। हाँ। अभी कोई बात नहीं क्लियर हुई। अच्छा, अभी जब मीडिया आ गई उसके बाद इन लोगों का क्या कहना है, किसी के दबाव में है आप? नहीं नहीं, दबाव में किसी के नहीं है।